नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप टमाटर की देख रहे हैं और यह टमाटर लोकल टमाटर है। सोमवार का दिन है, हालांकि मंडी बंद है और आज बड़ी कम संख्या में खरीदार यहां पर पहुंचे हुए हैं और मटर यह बोली के लिए रखा गया है, लेकिन अभी यहाँ पर खरीदार कोई पहुँचा नहीं है। सोलन सब्जी मंडी में लोकल टमाटर की अब आपूर्ति धीरे धीरे कम हो रही है, जहाँ पर गर्मियों के सीजन के दौरान करीब 4 से 5 हज़ार रुपये टमाटर की क्रेटें दिखाई दे रही थी, अब बड़ी कम संख्या में टमाटर की क्रेट आप देख रहे होंगे कि इस वक्त दिखाई दे रही है। कारण है कि अब सीजन अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ चुका है। बरसात का सीजन का टमाटर अब लगभग समाप्ति की ओर है। दूसरा, यहाँ पर सोलन में अब ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से टमाटर के पकने में भी अब समय लग रहा है और यही वजह है कि मंडी में टमाटर की आपूर्ति काफ़ी कम अब हो गई है। लोकल टमाटर की तुलना में नासिक का टमाटर अब मंडियों में ज़्यादा पहुँच रहा है और नासिक के टमाटर में इस वक्त तेज़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। 1100 रुपये के आसपास नासिक का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, जबकि लोकल टमाटर आज 900 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से अभी बिका है। हालांकि कुछ एक दुकानों में कुछ एक टमाटर की क्रेटें जरूर है, लेकिन आज जो चंडीगढ़ से बड़े संख्या में व्यापारी टमाटर की खरीद के लिए पहुंचते थे, आज वो भी नहीं आए हैं। तो उन्हें भी उम्मीद थी कि आज सोमवार है और सोमवार को कम मात्रा में मंडी में टमाटर हो सकता है, तो उसकी भी एक वजह रही है कि बड़ी कम संख्या में व्यापारी आज यहाँ पर टमाटर की खरीद के लिए आए हुए हैं और उसी का ही परिणाम है कि अभी टमाटर की बोली शुरू नहीं हुई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मंडी में की, तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकल टमाटर अच्छी क्वालिटी का टमाटर, क्वालिटी में कोई निसंदेह कि अच्छी क्वालिटी है और इस बार बरसात के सीजन में जो टमाटर मंडियों में पहुँचा है अच्छी क्वालिटी का था, क्योंकि मंडी में बरसात के दिनों में ज़्यादा बारिशें होती है तो बीमारियाँ भी टमाटर को ज़्यादा लगती है, लेकिन किसानों ने कीटनाशक दवाओं का भी भरपूर इस्तेमाल किया कि ताकि टमाटर की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो बनी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं टमाटर की मंडियों में आपूर्ति अब कम हो रही है, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त टमाटर की जो जिन टमाटर की बोलियाँ लगनी है 10-12 क्रेटें, 5 इस तरफ रखी हुई है और 6 इस तरफ है, तो 11-12 क्रेटें टमाटर की इस यहाँ पर है, जबकि 12 टमाटर की क्रेट ऐसी ही दूसरी जगह पर भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह के स्थिति है। बड़ी कम संख्या में टमाटर के अब मंडियों में पहुँच रहा है और उसी का ही परिणाम है टमाटर के दामों में थोड़ी तेज़ी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अब जब टमाटर के दाम बढ़ने शुरू हुए हैं तो तब तक टमाटर का सीजन अब कम हो गया है। सोलन सब्जी मंडी में आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी 6-7 टमाटर की इस वक्त क्रेट दिखाई दे रही है। नासिक के टमाटर भरपूर मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में पहुँच रहा है। नासिक के टमाटर के दामों में इस वक्त तेज़ी भी देखने को मिली है, 1100 रुपये के आसपास वो टमाटर बिक रहा है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लोकल टमाटर मंडियों में अब काफ़ी, कल हो सकता है कि लोकल टमाटर की आपूर्ति ज़्यादा हो, क्योंकि कल मंडी खुलेगी और डबल मंडी कल लगती है और आज मौसम भी थोड़ा साफ नज़र आ रहा है, तो दिन के समय जिस तरह की तेज़ धूप सोलन में पड़ रही है तो टमाटर पकने में भी जल्दी पक सकता है। और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं, टमाटर की 7-8 अभी टमाटर की कुछ और क्रेट पहुँचेगी। तो नरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे हम ठाकुर साहब नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। शिमला मिर्च और फ्रांस बीन में आज क्या रहा, टमाटर के क्या भाव चले हैं? शिमला मिर्च आज 5 रुपए से लेकर और 15 रुपए तक बिकी है, और बात करें फ्रांस बीन की तो फ्रांस बीन भी 10 से 12 रुपए तक बिकी है, और टमाटर में जिस तरह पिछले दिनों भी उछाल देखने को मिला तो निरंतर इसी तरीके से इसके रेट जो अच्छे मिलते नजर आ रहे हैं। कल भी 600 से लेकर 850 रुपये तक टमाटर यहाँ बिका है, जबकि टमाटर भी अब अंत की ओर है, इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं है, इसके बावजूद भी अच्छे दाम मिल रहे हैं। अब काफ़ी कम मात्रा में टमाटर पहुँच रहा है, तो सीजन क्या समाप्त खत्म ही हो गया लगभग? सीजन जो है समाप्त की ओर है और कुछ ही क्षेत्र जहाँ हल्का फुल्का टमाटर बचे हैं वहाँ से ये आना शुरू है। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टमाटर की
खाली क्रेटें के तो यहाँ पर देख सकते कितनी बड़ी संख्या में खाली क्रेटें यहाँ पर रखी गई है, लेकिन टमाटर की आपूर्ति अब लगातार कम होती जा रही है सोलन सब्जी मंडी में। हालांकि फ्रासमिन मंडी में पहुंच रही है, अभी भी फ्रासमिन लगातार फ्रासमिन की आपूर्ति मंडी में जारी है और फ्रासमिन के दामों में जबरदस्त गिरावट अब देखने को मिली है। 10 रुपये तक फ्रासमिन के रेट मंडियों में अब पहुंच गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था कि फ्रासमिन के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही थी और किसान अच्छा पैसा भी कमा रहे थे। शिमला मिर्च और फ्रासमिन के दाम पूरे बरसात के सीजन में ही नहीं बल्कि गर्मी के सीजन में भी बढ़े रहे और एक समय शिमला मिर्च जहां 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी, वहीं फ्रासमिन का रेट शुरुआती दौर में 150 रुपये प्रति किलो रहा था। तो लेकिन 30 रुपये से ऊपर फ्रासमिन के और शिमला मिर्च के रेट बने हुए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में की बात है कि अब शिमला मिर्च और फ्रासमिन के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और फ्रासमिन अब 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज बिक रही है। महेश शर्मा जी नमस्कार। और गोभी के दाम गिरे हुए हैं, 4 से 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोभी बिक रही है और बंद गोभी की बात करें तो बंद गोभी 6 से लेकर 8 रुपये प्रति किलो के बीच में बंद गोभी के रेट बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर गोभी के दाम दोनों गोभियों के चाहे बंद गोभी की हो या फूल गोभी उनके दामों में गिरावट देखने को मिल रही है और मटर के दाम भी अब गिरते जा रहे हैं। 40 से 50 रुपये के बीच में मटर अब सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, तो मटर के दामों में भी अब गिरावट है। टमाटर के भाव जरूर चढ़ रहे हैं लेकिन अब मंडियों में टमाटर काफ़ी कम अब सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है। तो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि 8-8, 10-10 क्रेटें आज दुकानों में टमाटर की हैं और जिसकी अभी गोली लगनी है तो उसके लिए खरीदार भी अब मंडियों में नहीं आए हुए हैं। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। शिमला मिर्च के जिस तरह के भाव बताए 10 से 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से शिमला मिर्च सोलन सब्जी मंडी में आज बिकी है। शिमला मिर्च की क्वालिटी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मटर और जो फ्रासमिन है, फ्रासमिन 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिकी है। फ्रासमिन के दामों में तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी तेजी देखने को मिले, लेकिन अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी ऐसे आसार बनते नजर नहीं आ रहे क्योंकि पंजाब और हरियाणा से फ्रासमिन की आपूर्ति भी शुरू हो चुकी है क्योंकि दूसरे राज्यों से अब सब्जियों की आपूर्ति शुरू हुई है। तो इसी के कारण अब जो हिमाचल प्रदेश में या विशेषकर सोलन सिरमौर और शिमला में जिन सब्जियों का इस वक्त उत्पादन चला हुआ है, जिनका सीजन चला हुआ है, तो उनके दामों में लगातार गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। नासिक के टमाटर में तेजी इस वक्त पूरी तरह से है क्योंकि डिमांड बहुत अधिक है नासिक के टमाटर की और नासिक का टमाटर 1100 रुपये प्रति क्रेट तक सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, जबकि लोकल टमाटर 950 रुपये प्रति क्रेट तक मैक्सिमम रेट रहे हैं। 600 रुपये से शुरू हुए हैं और 900 रुपये प्रति क्रेट तक अब नासिक के लोकल टमाटर के भाव रहे हैं। टमाटर के दामों में आज गिरावट भी है और कम मात्रा में, पिछले कल की तुलना में थोड़ी गिरावट है लेकिन कम मात्रा में आज टमाटर आया है। तो जो चंडीगढ़ से यहाँ पर व्यापारी टमाटर की खरीद के लिए आते हैं वो भी आज नहीं पहुँचे हुए, तो उन्होंने पता कर लिया होगा कि आज सोलन मंडी में टमाटर कम की आपूर्ति बहुत कम है, उनकी डिमांड जो टमाटर की है वो वहाँ पर पूरी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए चंडीगढ़ से आज व्यापारी यहाँ पर टमाटर खरीद के लिए नहीं आए हुए हैं। नासिक का टमाटर जरूर पहुँचा हुआ जो 1080 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिक रहा है, जबकि लोकल टमाटर 950 रुपये आज मैक्सिमम रेट रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।